नमस्कार किसान भाई, आज हम आपके पास ये वीडियो लेकर के हम आए हैं। उसका कारण है कि मैं जगन्नाथ कुशवाहा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। आज यहाँ अखबारों में बड़े सुर्खियों में आज दिनांक 12 तारीख को अखबारों के सुर्खियों में आया कि जिसमें लिखा गया, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप उसको देख भी सकते हैं कि डीएम आवास पर प्राकृतिक खेती की हुई शुरुआत। ये सुर्खियों में क्यों आया? 2014 में भी हमको हमारे देश के किसान भाई के लोगों के और देश की जनता के बदे गुजरात मॉडल दिखावल गया। वही तर्ज पर आज डीएम साहब के तरफ से प्राकृतिक खेती का शुरुआत अपने आवास परिसर में शुरू करल गया, ऐसा अखबार बतावत बा। जेमा जिला का जितना कृषि अधिकारी बायन सब वहाँ भाग लेलन है और डीएम साहब के उपस्थिति में ये सब काम भयल है। हम इतना दिन से बनारस में भाई, लेकिन आज तक कौनो डीएम अपने आवास परिसर में ए तरह से जैविक खेती के शुरुआत का बात ना कैलेस और ना तो ये अखबार के सुर्खी बनल। किसान भाई, अगर ये बात का शुरुआत हो तो जैविक खेती का, तो ये तो शुभ समाचार हमके लगत बा, अच्छा समझ में आवत बा। काहे से जितना बीमारी ये देश में फैलत बा, सब खान पान और विषैला जो पदार्थ खा रहे हैं हम लोग, वही से सब पैदा होत बा। ऐसा स्थिति में अगर ये तरह का शुरुआत हो तो बहुत बढ़िया बात बा। लेकिन अम्मा जोन बतावल जात बा कि बीजामृत एवं जीवामृत बनाकर गौ आधारित प्राकृतिक खेती की शुरुआत की गई, तो ये पैथी तो कोई नई ना बा, ये तो पैथी बड़ी पुरान बा, सदियों पुरानी प्रथा बा। हम एक गलत नहीं कहते, ये प्रथा के या ये पैथी के गलत ना कहते, लेकिन काहे बदे ऐसा पैथी का प्रचारण करल जात बा। 1950 तक तो हमार देश जैविक भारत बनल रहल, लेकिन 1950 के बाद 70 साल में देश में इतना रसायन पाट दहल गल माटी में कि माटी से जितना भी सूक्ष्म जीव हमन वो खत्म हो गए। अब माटी में कुछ बचल नहीं बा। ऐसे स्थिति में जरूर शुरुआत जैविक का होए के चाहिए और लेकिन ओके वैज्ञानिक ढंग से भी होए के चाहिए। ये पैथी हमार जोन घन जीवामित्र अजीवामित्र के माध्यम से होत बा, ये बहुत पुरान पैथी बा, सदियों पुरानी, अपा कोई मुहर लगा के ही नहीं कह सकत कि हमार बा। लेकिन एक सवाल बा आप किसान भाई से, ये पर आपके विचार करे के हुई कि अगर ये पैथी में इतना दम रहत तो पीएल 480 का गेहूं अमेरिका से काहे देश में मंगावल जात। अगर ये देश का किसान घन जीवामित और जीवामित के माध्यम से गौ आधारित खेती अगर करता रहा, पहले तो यही यही होता रहा, अरे हर घर में
गैया के अलावा बैल भी होते थे, उसे हम हल से जुताई शुरू होत रहे, तो पूरा खेतिया जैविक होत रहे, लेकिन देश के जो पेट रहल वो ऐसे भरत नहीं रहल। कहे का मतलब हमारी बा कि पैथी हमार गलत ना बा, लेकिन पैथी का स्पीड बहुत धीमी बा। अगर धीमी न रहत तो पीएल 480 का गेहूं न मंगावे पड़त, और गति के तेज करे बदे बहुत बड़े पैमाने पर रसायन का प्रयोग करावल गयल, और खेती का उत्पादन भी बढ़ल। ये हम नहीं कहते कि नहीं, लेकिन आज 70 साल में तो मिट्टी एकदम बर्बाद हो चुकल बा, खत्म हो चुकल बा। और ऐसा स्थिति में अगर शुरुआत जैविक का होत बा, और बनारस के हर ब्लॉक में अगर प्रचार शुरू भयल बा, लोगन से फार्म भरवावल जात बा, यही सब अच्छी प्रक्रिया बा। लेकिन हमके तो ऐसा बुझात बा, आप लोग का सोचत बया ये पर विचार करा कि ये जो पुरान पैथी हो ये हमके बहुत बहुत ज़्यादा गति ना दे पाई। अगर गति दे देले हो तो नए आविष्कार का जरूरत ना पड़त। गति एम्मा बहुत तेज ना बा, हाँ बैलगाड़ी तक तो बा, कि अगर ये तरह का पैथी घन जीवामित जीवामित में गोबर पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पावत, और जब गोबर पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पावत बा और ओके मिट्टी में बहावल जात बा, तो फंगस पैदा हुई हैं, कीड़ा पैदा हुई हैं, फिर मारे बदे दवाई वाला कहीं आई दवाई मार दा, तो कहाँ जैविक भय, फिर शुरुआत हो जाए वही का। तो कुल मिला करके ये माँ गति ना बा, ऐसे 130 करोड़ का पेट नहीं भरल जा सकत। और जोन भारत का कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र बहुत बड़ा लैबोरेटरी जिम्मा साइंटिस्टन के बैठाए के नवीन तकनीकी और नई टेक्नोलॉजी पर जो आविष्कार भेल जेकर नाम बा वेस्ट डिकम्पोजर, ओकर प्रचार काहे नहीं हो तो भाई। एकर स्पीड तो फास्ट बा, हम बैलगाड़ी पर काहे चलम। अब किसान भाई विचार करें कि वो बैलगाड़ी तक पहुँचे चाहलन। आज का पैदा लड़का भी कहत बहन कि हम साइकिल न ले, मोटरसाइकिल मांगत बहन। अगर बहन वो लायक तो कहत बहन नहीं मैं चार पहिया चाहिए। और नेता लोग उसे बड़ा हेलीकॉप्टर पर चलत बहन, प्लेन पर चलत बहन, गति इतना तेज बा। तो इतना जो 70 साल से मट्टी बर्बाद हो गई बा, ओके तेज गति से ही हम ओके सुधार सकीला, फास्ट स्पीड में चल के हम ओके सुधार सकीला। तो फास्ट स्पीड बदे तो हमके वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करे के पड़ी। एकरे प्रयोग से एके लेके जीवन भर खेती, गुड़ पानी लेके जीवन भर खेती कर सकीला, ऐसे एंजाइम बना सकीला, ऐसे माइक्रोन्यूट्रेंट बना सकीला, ऐसे कीटनाशी बना सकीला, ऐसे ताजा पत्ती जितना बहन खर पतवार ओके कुट्टी कहके चटनी बना के दे दा, ओकरे अंदर का माल निकाल नहीं तत्व तो मिट्टी के दे दे बा, तरल तरल रूप में पानी के रूप में, और मिट्टी लहलहा जात बा। हमने तो एकर प्रयोग करके हम सुखी भाई। तो भैया पहले इस्तेमाल करा, हम इनाई कहते हैं कि जोनी पैथी डीएम साहब के बंगला से बनत के चलत बा एके मत करा, करत जा, लेकिन यहू के करा थोड़ा एकर प्रयोग भी करा, प्रयोग करके देखा कि एकर स्पीड का हो, एकर स्पीड का हो। इत हर हराय के तनके में पूरा मिट्टी के जीवंत बना देता हो, 1000 लीटर एक एकड़ में दे दा पानी के साथ, देखा केचुआ दौड़े लगल जात बा। अरे केचुआ तब न दौड़ी है जब मिट्टी हमार स्वस्थ हो जाए। तो ये लिए हमें अब हमके बैलगाड़ी वाला रास्ता मत बतावे कोई, अब हमके ऐसा बतावे ताकि हम 70 साल में जो कमी बाव के 3 साल में हमने पूरा कर लें। अब ये वेस्ट डिकम्पोजर के अलावा हमके तो ना ही कोनो चीज दिखात बा, हम प्रयोग करत बाई, हम इस्तेमाल करत बाई, हम कर लाभ पावत बाई। जेकरे पास ये आए गल बा उतम मजे में बा। तो भैया तू यहू के तनी प्रयोग करके देखा एकर स्पीड का बा और ओकर स्पीड का बा,
हम बैलगाड़ी पर हम नहीं चले चाहे, हम जल्दी से अपन 70 साल का बर्बाद जोन माटी बा ओके सुधार करके जीवंत करे चाहिला और उपज भी बढ़िया लेवे चाहिला, दाना भी बढ़िया लेवे चाहिला, और ताकि हमार समाज परिवार सुखी रहे, समाज सुखी रहे, हमारा खा के हमार देश लहलाए और सुखी रहे, बीमारी भागे घर से परिवार से समाज से देश से और आदमी स्वस्थ रहे। ये लिए आप विचार करा, पुरानी पैथी की हम गलत ना कहते ही, लेकिन हम बैलगाड़ी पर न चला, अब जो नवीन जो ना विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी के माध्यम से साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वेस्ट डिकम्पोजर आयल हो ओके हम किसान भाई से कहब कि इस्तेमाल करा, अगर इस्तेमाल से तो के फायदा दिखाता हो तब ओके आगे बढ़ावा, तब प्रयोग करा, तब विश्वास करा। यही बात हम आपसे कहे आई नहीं, और अगर ये अखबार में ना निकलल हो तो हम ही वीडियो लेके ना आई, हम कोई पुरानी पैथी का विरोध ना करत है, लेकिन अब हम बैलगाड़ी पर नहीं चलब, अब हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी लेकर के ही माटी के सुधार सकीला, और कोनो रास्ता नहीं बा। धन्यवाद।